Now, the next our target is education for sustainable development. You know that these sustainable development goals have been rampant throughout the world for the improvement in quality of education. So there is a crucial time for developing environmental literacy. Environmental literacy for home, for our kids from birth to eight years. अगर छोटे बच्चों को पता चले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है हमें अपने वसायल की हिफाजत कैसे करनी है और इनके इस्तेमाल में एहतियात कैसे बरतनी है तो वो तमाम उम्र जितने भी वसायल होंगे अपने मुल्क के या पूरी दुनिया के उनका ख्याल रख सकते हैं सो अर्ली चाइल्ड हुड इन्वायरमेंटल एजुकेशन वच इज़ कॉल्ड ई सी ई इज़ एनविन एज ए यूनिक फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन तो ये जो उनकी तालीम है ये उनको सिर्फ क्लासरूम में नहीं दी जाती बल्कि उनको नेचर में ले जाया जाता है एनवायरनमेंट के साथ उनकी इंटरेक्शन करवाई जाती है यानी पौधों के साथ फूलों के साथ हवा के साथ बाहर निकलते हैं पार्क्स में इस तरह की जगहों पे और उनको बताया जाता है कि पानी हवा ये सब आपके लिए कितना अहम है और इनको खालिश और साफ रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है फिर प्ले बेस्ड लर्निंग जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये एक सिचुएशनल और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है बच्चे नेचर के साथ खेलते हैं जैसे मट्टी से पानी से और दरख्तों में घूम के दरख्तों पर चढ़ के ये सब कुछ वो उनकी कुदरती एक इंस्टिंक्ट है जमिलत है इन सब चीज़ों के साथ खेलना वहाँ से वो सीखते हैं अगर वो एनवामेंट के करीब जाएंगे तो उन्हें उसकी कदर भी आएगी उससे उनकी मोहब्बत भी बढ़ेगी और फिर ऐसा होगा कि वो उसकी हिफाजत के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगे तो एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑप्ट करना चाहते हैं तो ई सी यानी हमारी एनवायरमेंटल एजुकेशन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन से ही स्टार्ट की जाती है और दूसरी बात यह है कि इससे जितने रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जैसे रिसोर्स को कम इस्तेमाल किया जाए उनको बचाया जाए बच्चे ख़ासतौर पर टिश्यूज़ और कागज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको इन से रोका जाए उनको समझाया जाए कि कागज़ जो है वो बहुत से वसायल से मिल के बनता है और उसको बिला वजह ज़ाया नहीं करना चाहिए ऐसी बहुत सी कैम्पेन्स भी हैं जिसमें कि इस तरह के वसायल को ज़ाया करने से रोका गया और उसके नुकसान के ऊपर बहुत सी छोट छोटी छोटी वीडियोज़ जो हैं वो बच्चों को दिखाई जा सकती हैं अब देखिए अगली बात यह है कि टाइम इन नेचर इन एक्शन टेकिंग अब देखिए हमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट उनको बताना नहीं है बल्कि इस पर अमल भी करवाना है तो सबसे पहले तो ये जो अर्ली चाइल्ड एजुकेटर होगा वो कोशिश करेगा उसको अपनाने की फिर उसके बाद बच्चों को भी समझाया जाएगा कि भाई आपने किस तरह से अपने रिसोर्स की हिफाजत करनी है उसकी वजह सिर्फ ये नहीं होती कि अगर आप बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप कागज फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं अगर आप और कोई वसायल ज़ाया कर रहे हैं महज इस वजह से कि आप कर सकते हैं ऐसा नहीं है ये वसायल पूरी दुनिया का असासा है ठीक है और हमें हर सूरत में इनकी हिफाजत करना है ये जो ख्याल है जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों के जहन में बचपन से ही बिठाना है जैसे अभी हम बात कर रहे थे नेचुरल मटेरियल के अंदर जब बच्चे खेलेंगे और जो आर्टिफिशियल जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको हम काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं और नेचर के करीब उनको लाएंगे तो उनका नेचर से जो रब्त है जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ेगा फिर ये कि हम बच्चों को मौका दे सकते हैं कि वो फ्री हैंड खेलें उनको आज़ादी दी जाए अपनी मर्जी की सरगर्मियाँ करें अपनी मर्जी के काम करें ताकि उनको एक इनर सेटिसफेक्शन भी हो और वो एक्म्पलिशमेंट भी फील करें क्योंकि आपने देखा होगा जब हम बच्चों को एक बुक है या कंटेंट है ख़ास तो उसको पढ़ने के लिए जब उनको एन्फोर्स करते हैं तो वो मज़ात करते हैं होमवर्क में मज़ात कर रहे होते हैं स्कूलों के अंदर जो हार्ड डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है उसको रजिस्ट कर रहे होते हैं तभी तो हर बच्चा जब हमारे दौर का जब उठता है सुबह तो उसकी सबसे पहला उसकी ख्वाहिश होती है कि वो आज स्कूल नहीं जाएगा अगर स्कूल इतनी अच्छी जगह हो जहाँ बच्चों को खेलने कूदने पढ़ने साथ साथ सारी चीज़ों का मौका मिले तो वो बड़े शौक से जाएं और ऐसा कुछ स्कूलों में है भी जो इन एक्टिविटीज़ को मुतारफ़ करवाते हैं फिर ये कि कुछ ऐसी कैंपेन हमें चलानी है वो सिर्फ हमें स्कूलों तक महदूद नहीं रखनी बल्कि वो कैंपेन और पॉपोगे या वो मैसेज कन्वेंस जो है वो हमें पूरी कम्युनिटी में करना है वो कम्युनिटी जो उन छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं ताकि वो सिर्फ स्कूल में मत सीखें बल्कि घरों में भी जाके उन चीज़ों को प्रैक्टिस करें और इसके ऊपर एक्शन लें और एक्शन लेने का मतलब ये है कि अब वो चीज़ों को बचाएं भी और जैसा एक आइडिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रिसाइकलिंग भी करें यानी चीज़ों को दोबारा अच्छे से इस्तेमाल भी करें ठीक है यानी कुछ ऐसी वेस्ट मटेरियल जो हमारे इर्द गिर्द है उनको हम नए सिरे से खूबसूरत बना के इस्तेमाल भी कर सकते हैं बचा भी सकते हैं